माधव काका, अभी तक तैयारी नहीं हुई। चलो चलो जल्दी आ, चलो चलो चलो। बा बा, मैं क्या? तुम्हारे पीछे हूँ। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बेटा। बा, सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ बाबा। सावित्री कहाँ है? सावित्री, सावित्री, वो मिठाइयाँ और तोहफे जो भेजने हैं लक्ष्मी के ससुराल, वो आ गए ना? जी। उनकी पैकिंग ठीक से हो गई ना? हो गई बाबा, हो गई है। आज लक्ष्मी पहली बार अपने ससुराल से मायके आ रही है पगफेरों के लिए। बहुत सी खुशी हो रही है और थोड़ी सी बेचैनी भी। देखा जीजू, भाई खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। इतने भाई तब खुश हुए थे जब युवराज का जन्म हुआ था, उसके बाद आज जब लक्ष्मी घर आ रही है। वाह वाह, हे प्रभु क्या बात है, आज पहली बार तुमने सच कहा है। दुर्गा गौरी, तुम ये सब छोड़ो, इन कपड़ों में तुम करण और लक्ष्मी का स्वागत करोगे। चलो चलो तैयार हो जाओ, चलो चलो। बापूजी, हम बस यूं गए और यूं आए। चलो। शाबाश, देखो ये यहीं पे छोड़ गई। बाप, सब ठीक ठाक रखो ना। सूर्यकांत, आटलो हरक पदुड़ो ना था। आज मैं अपने आप को नहीं रोक सकता बा, नहीं रोक सकता। मैं नहीं चाहता कि लक्ष्मी को यहाँ उसके मायके में किसी चीज की कमी महसूस हो। सावित्री, तुम्हारी झांसी की रानी आ रही है आज। और जब तक वो अपने मायके में रहेगी उसे हम सारी खुशियां देंगे। मैं नहीं जानता था कि गरवड़िया निवास लक्ष्मी के बिना इतना सुना सुना लगे। लड़की को शादी के बाद ससुराल तो जाना ही पड़ता है, लेकिन ससुराल की खुशियां मायके की यादों को कभी भुला नहीं सकती। आपको तो खुश होना चाहिए कि लक्ष्मी को बहुत अच्छा ससुराल मिला है और उससे भी अच्छा पति मिला है। हाँ सावित्री, मुझे पूरा यकीन है करण हमारी लक्ष्मी को सारी खुशियां देगा और हम भी उसे उसे सारी खुशियां देंगे। इसीलिए तो ये तैयारी कर रहे हैं ना, हाँ? अरे ये बैठने की जगह है भाई। तैयारियां नहीं रसिक भाई, बर्बादियां, वो भी पैसों की। क्या जरूरत है हर बार बेटियों के लिए इतने पैसे लुटाने की? अरे धीरज प्रभु, धीरज, शांतम पापो, शांत हो जाओ बहन। और वैसे भी जीजा जी की ये खर्च करने के दिन अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। अरे जब जेब में नहीं होगी अठन्नी तो कहां से सूर्यकांत खर्चा करेगा रुपया? रसिक भाई, ये धीरज ही तो नहीं रखा जा रहा। देखो देखो, इतने पैसे लुटाए जा रहे हैं और हमारा इतना नुकसान हो रहा है, मैं कुछ बोल नहीं। अरे शुकाम टेंशन ले बहना, समझ ले ये इनकी खुशी के कुछ आखिरी पल है और तेरे दुख के। अब जीजा जी ने तेरे लिए इतना किया है, तू जीजा जी के लिए इतना नहीं कर सकती? समझ ले, लक्ष्मी के पग फेरे की रस्म उनके जिंदगी की आखिरी खुशी साबित होने वाली है। रसिक भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लक्ष्मी के पगफेरे के पैर इनके लिए शुभ नहीं साबित होंगे। लक्ष्मी इस घर में आएगी जरूर, लेकिन इनके हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि अब जो प्रॉपर्टी के सारे कागजात हमारे हाथ में आ गए वो प्रॉपर्टी के कागजात के ऊपर से याद है, वो कागजात हैं किधर? अरे सुरक्षित है रसिक भाई, तुम चिंता मत करो। मैंने युवराज को दिए हैं बैंक के लॉकर में डालने के लिए। ओ प्रभु, मानना पड़ेगा। अरे जब भी कोई काम करती हो पूरी सफाई से करती हो। दुख भर दिन बितर भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। मुंह दिखाई की रस्म है पर यहां तो कोई भी नहीं है। कविता दीदी,
जय श्री कृष्ण दीदी, जीती रहो। तो आज पहला दिन है तुम्हारे इस घर में, कैसी गई तुम्हारी पहली रात? अच्छी तरह से तो नींद आई थी या नहीं दीदी? करण कल, हाँ क्या हुआ करण को? नहीं कुछ हुआ नहीं है। आपको पता है करण कहाँ है? कविता दीदी, अब आ रहे हो तो? कहाँ थे तुम कल पूरी रात? तुम्हें पता है कि तुम्हारे इंतजार में मैं कल पूरी रात नहीं सोई, कितनी चिंता हो रही थी मुझे तुम्हारी। तुम कहाँ थे? होल्ड होल्ड होल्ड, राजधानी जरा ब्रेक तो मारो, मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। सॉरी लक्ष्मी, कल रात को मैं नहीं आ सका, इसलिए मुझे माफ कर दो प्लीज। वो क्या है ना, मुझे मेरे दोस्तों ने शादी की सेलिब्रेशन के लिए रोक लिया था। अब मेरी शादी का सेलिब्रेशन था तो मुझे तो रुकना ही पड़ता ना। दोस्तों ने रोक लिया? करण कल हमारी सुहागरात थी, और उससे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए तुम्हारे दोस्त थे कल? तुमने मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, I'm sorry. माफी मांग लेने से गलती छोटी नहीं हो जाती है करण। I promise, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अब तो गलती छोटी हो सकती है ना? अरे तो क्या हुआ दीदी, यहाँ पर है तो? अच्छा ठीक है, लेकिन माफी मांग लेने से और ये फूल दे देने से माफी नहीं मिल जाएगी। वादा करोगी तुम अपना प्रॉमिस, फिर कभी नहीं तोड़ोगे? वादा। पक्का? पक्का। चलो अब फेरे की रस्म के लिए देर पड़ेगी, चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ। करण मैं कब से तैयार हूँ और सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। सॉरी। सब लोग तैयार हैं? हाँ, हमारी तरफ से सारी तैयारियां हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी। करण और लक्ष्मी अभी आते ही होंगे। अरे वो फूलों की थालियां कहाँ हैं? माधव काका, जल्दी से रखो ना। देखो लक्ष्मी का स्वागत बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा हमने तय किया है, ठीक है? हाँ बापूजी, हम लक्ष्मी का स्वागत ठीक उसी तरह करेंगे जिस तरह होना चाहिए, है ना? चलो चलो चलो, आओ लो फूल, लो फूल, लो फूल, लो फूल।
दी हाँ आप घर ही ना भेजू काका माधो काका आप दरवाजे पे खड़े रहो और मैं कहूंगा तब दरवाजा खोलना जाओ 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 रुको 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 इस घर की बेटी नहीं बहू आई है और इस बहू का स्वागत बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है जिस तरह होना चाहिए फूलों से सम्मान और शर्म बची है तुम में या वो भी बेच खाया तुमने तुम्हारी वजह से इतनी बदनामी हुई हमारे परिवार की फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि बेशर्मों की तरह मेरी सामने खड़ी रहो चली जाओ यहां से चली जाओ यहां से सूर्यकांत देखो हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है इससे पहले कि तुम्हें मजबूरन यहां से धक्के मारकर बाहर निकाला जाए चली जाओ यहां से नहीं बा ये ऐसे नहीं मानेगी चल नो रुकिए पापा आप ऐसा नहीं कर सकते पवित्रा इस घर की बहू थी है और रहेगी उसे भी इस घर में उतना ही इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए जितना इस घर के किसी भी फैमिली मेंबर को मिलता है उसे इस घर से तो क्या मेरी जिंदगी से भी कोई भी नहीं निकाल सकता आप भी नहीं तभी मैं सोचूं इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो शर्मिंदगी तुमने अपने परिवार को दी है क्या वो काफी नहीं दोबारा इसे ले आए यहाँ मैंने वही किया पापा जो मुझे करना चाहिए था युवराज तेरी इतनी हिम्मत कि अपने बापूजी की आंखों में आंखें डालकर तू उन्हें उल्टा जवाब देगा वो भी इस कोठे वाली के मोटी बा बस युवराज बस बस अगर तुम इस औरत के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें भी अभी इसी वक्त इसके साथ ये घर छोड़कर जाना होगा चले जाओ यहां से ना तो मैं ये घर छोड़कर जाऊंगा और ना ही पवित्रा
हाँ पापा, आप हमें इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस घर पर मीरा और पवित्रा हम दोनों का हक बनता है। आप ही कहते थे ना पापा कि मैं इस गरोड़िया निवास और उसकी पूरी जायदाद का इकलौता वारिस हूं। तो पापा, ये गरोड़िया निवास, इसकी पूरी जायदाद, आपका एक एक पैसा, यहां तक कि आप लोगों ने जो कपड़े पहने ना, आज उसका मालिक मैं हूं। हाँ पापा, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारा पैसा आपका नहीं है सूर्यकांत गरोड़िया, बल्कि मेरा है, युवराज सूर्यकांत गरोड़िया का। खबरदार, जो एक शब्द मुंह से निकाला, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बाबूजी के साथ इस तरह बात करने की? सॉरी मोटी, पर मैं तो अपने पापा के साथ इसी तरह से बात करूंगा जिस तरह से पापा ने मेरे साथ बात की थी। उस दिन आपने क्यों नहीं कुछ कहा? जिस दिन पापा ने मुझे इस घर से, अपनी जायदाद से, अपने पूरे परिवार से बाहर निकाल दिया। अच्छा, तो उस बात का बदला ले रहा है तू आज? बाप, इसके साथ बहस क्यों कर रही है? क्योंकि मैंने अपनी वसीयत में अपनी जायदाद, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ चारों बेटियों और इसके नाम बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसकी बातें बेमानी है, बेमतलब। पापा, मैं आपका इकलौता बेटा, तो किसी के साथ अपनी प्रॉपर्टी कैसे शेयर कर सकता? यह है इस बात का सबूत। गौर से देखिए अपने विल के पेपर्स को, जिसमें आपने अपनी मर्जी से और पूरे होश में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने इकलौते बेटे युवराज के नाम कर दिया। थैंक्स पापा। देखिए, देखिए ना, फाड़िए फाड़िए पापा फाड़िए। ऐसी बेवकूफी मैं नहीं कर सकता, ये तो डुप्लीकेट पेपर्स हैं आप लोग सबको दिखाने के लिए। ओरिजिनल पेपर्स बहुत सेफली पड़े हैं मेरे पास। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। वो कागज मैंने खुद अपने हाथ, ये तो क्या कर रही हो बेटी? जी बाप, मामा जी ने कुछ पेपर साइन करने को दिए। देखो, कर दो साइन। जी सिख,
धोखा दिया है तुमने मुझे, फिर मेरे भरोसे को तोड़ा है तुमने। आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान का खून नहीं, उसके संस्कार उसको अच्छा या बुरा आदमी बनाते हैं। क्या गलती हुई मुझसे, बोलो बेटे, कहां मेरे परवरिश में गलती हो गई कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो? क्यों? तुम्हें पैदा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नहीं पापा, मुझे इकलौता बेटा मानना ये आपकी गलती थी।